कश्मीर की जारी सूरतहाल ने बीजेपी हुकूमत के नॉर्मल दावों को बेनकाब किया। रजनी पाटिल जम्मू कश्मीर के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज और रुकन पार्लियामेंट्री रजनी पाटिल ने हफ्ते को कहा कि कश्मीर में जारी सूरतहाल ने मामूल की सूरत के लिए जाली दावों को बेनकाब किया जो अक्सर हिंदुस्तानी हुकूमत करती है। बांडीपुरा के नाइद खां में मकतूल मोहम्मद शफी डार की रिहाइश का दौरा करने के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जिन्हें गुज़श्ता मंगल को नामालूम मसला अफरादों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। पार्टी ने कहा कि यहां आकर वो महसूस करते हैं कि 1990 की सूरतहाल को दोहराया जा रहा है क्योंकि बेगुनाह लोगों को गोली मार दी जा रही है। यहां और बीजेपी हुकूमत की जानिब से मामूल के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़श्ता कई दिनों से यहां होने वाले शहरी हलाकतों की अदालती तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुतासिर खानदान के अफराद ने यह भी मुतालबा किया कि कातिलों को जल्द अज जल्द शिनाख्त किया जाए। देखिए माजिद सलाम के साथ तौसीफ अहमद की ये खास रिपोर्ट। यहाँ पे जो आए पूरे यहाँ का जो दुख दर्द देखा मानवता थम जाए इसलिए घटी यहाँ पे। मुझे लगता है बहुत सालों से जम्मू कश्मीर में जो हालात देखे हैं वो फिर 1980 की घटना फिर से दोहरा रही है ऐसे हमें लग रहा है। 1990 की घटना फिर दोहरा रही है ऐसे मुझे यहाँ पे आकर महसूस हुआ। कल से हम जो देख रहे हैं मासूम लोगों को यहाँ पे मारा दिया जा रहा है, मासूम लोग गोली का निशाना बन रहे हैं और जो यहाँ पे नॉर्मल सी आई है जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल खोखले दावे ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है ऊपर से। मुझे लगता है कि यह कहीं ना कहीं यहाँ पे राजनीति ना ला के कहीं ना कहीं यहाँ पे संजीदगी से यहाँ पे सोचना होगा। मैडम जो पिछले 4-5 महीने से जो क्लिनिक्स हो रही है आपको आपका स्टैंड है जो कल आपने बयान भी दिया है कि इसमें जुडिशियल ये इंक्वायरी होनी चाहिए तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी ही चाहिए क्योंकि अभी भी जो मांग कर रहे हैं घर के लोग कि जो किलर्स हैं मासूम लोगों को मारने वाले जो हत्यारे हैं उनको तुरंत आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। हम हमेशा बोलते हैं अभी भी बताया गया कि अननोन गनमैन कितने साल हम इनको अननोन गनमैन के नाम पे उनके ऊपर उनके ऊपर ढकते रहेंगे। हमें कहीं ना कहीं तो उनको नोन करना पड़ेगा, अननोन को नोन करने की अभी आवश्यकता है और वो अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। मुझे लगता है जुडिशियल इंक्वायरी होनी ही चाहिए और कांग्रेस पार्टी हमेशा क्योंकि हमारे पार्टी ने हमेशा इसकी बड़ी कीमत दी है चाहे वो राजीव जी के रूप में हो चाहे वो इंदिरा जी के रूप में हो हमेशा इस पार्टी ने बहुत बड़ी कीमत दी है इस आतंकवाद की। लास्ट पे क्या मैसेज रहेगी आप? मुझे यही लगता है कि जल्द से जल्द इस परिस्थिति को सुधारा जाए और जो गलत दावे किए हैं खोखले दावे किए गए हैं वो गलत दावे अभी नहीं करने चाहिए। प्रशासन ने संभालने की जरूरत है जो बोल रहे कि नॉर्मल सी आ गई है और यूनियन टेरिटरी हो गए हम बिल्कुल सब सही खुशामदीद है वैसे नहीं है, बहुत बिल्कुल खुशामदीद नहीं है। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं और उनकी परेशानियाँ दूर करने की आवश्यकता है, वो परेशानियाँ दूर की जाए, इन लोगों के आंसू पोंछने की आवश्यकता है और वो आंसू जल्दी से जल्दी पोंछने की सख्त कार्रवाई की।